हेलो स्टूडेंट्स यू यू आई होप आर रेडी फॉर स्टडी येस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर नेम इज द ग्रैंड चपाती कॉन्टेस्ट सो लेट्स किक ऑफ़ विद वर्ड्स फर्स्ट वन इज़ लेट केफी मीन्स क्या होता है सॉफ्ट और कैसी काफी मुलायम जिस चीज को बोलते हैं और इसको बोलते हैं फल्फी पफी रॉयल क्या होता है टू द किंग क्योंकि किंग कैसे रहता है रॉयलिटी के साथ रहता है शानो शोकत के साथ तो हम उसको बोलते हैं दूत डिसगस्ट मींस होता है डिसलाइक अलग अलग होना देन डो होता है बच्चे मिक्सचर ऑफ वॉटर एंड फ्लोर जिसको आप आटा वगैरह बोलते हैं तो उसको बोलते हैं डो जब आटा लगाते हैं ना वो तो किससे बनाते हैं कोई हमारे पास फ्लोर होता है किसी तरह का आटा होता है और पानी के साथ उसको मिक्सअप करके जो बनता है इट इज कॉल्ड डो सो लेट्स किक ऑफ देयर वंस रूल्ड अ किंग हु हार्डली एवर गॉट एंग्री ही डिड नॉट गेट एंग्री व्हेन द क्वीन पॉलिश्ड हिज गोल्डन क्राउन विद ब्लैक पॉलिश और व्हेन शी यूज्ड हिज सिल्वर हेयर ब्रश टू ब्रश द रॉयल डॉग He did not get angry when the royal servants forgot to fill his satin pillow with fresh rose petals every night. So, मतलब गुस्सा आता था अदरवाइज वो गुस्सा ही, ही नहीं करता था इवन वो कभी भी गुस्सा नहीं करता था डिड नॉट गेट एंग्री अगर क्वीन जो है पॉलिश कर देती है उसके गोल्डन क्राउन को विद ब्लैक पॉलिश से तभी भी गुस्सा नहीं आता अगर रॉयल डॉग और रोयल डॉग पर उसकी हेयर ब्रश जो सिल्वर कलर की थी ठीक है सिल्वर से बनी हुई थी अगर यूज कर देती थी तभी भी उसको गुस्सा नहीं आता नॉट गेट एंग्री वेन द रॉयल सर्वेंट टू फिल्म पिलो मतलब उसका जो सेट इंड पिलो था फ्रेश रॉप पेटर से एवरी नाइट को फिल करते थे अगर वो ऐसा भी नहीं करते तो भी वो गुस्सा नहीं होते ठीक है टू लाइन हिस्सा शूज विध दॉफ्टेस्ट फेदर एवरी मॉर्निंग

सिर्फ एक ही चीज पर गुस्सा आता था उसको है ना और किसी भी चीज़ से 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 बड़े गलती किसी से हो जाए उसको गुस्सा नहीं आता था सिर्फ और सिर्फ उसका एंग्री का एक रीजन होता था अगर उसको कोई प्रॉपर तरीके से मील सर्व ना करे विद चपाती और चपाती भी कैसे होनी चाहिए बच्चे परफेक्टली राउंड सॉफ्ट फल्फी पाफी चपातीज होनी चाहिए तभी वो खुश रह पाता था और वो उसको चपाती किस चीज में चाहिए थी और ब्रेकफास्ट में भी लंच में भी और डिनर में Every day. That was why the queen was most worried when the royal kitchen chef chapati cook left his job and went away to the Himalayas to become a holy man. Who will make chapatis just the way the king likes them? Perfectly round, soft, and fluffy, puffy chapatis, the queen asked the remaining 99 cooks in the royal kitchen. A जो रानी थी बच्चों वो बहुत चिंतित थी वरीड मीन्स चिंतित होना किस चीज़ के लिए क्योंकि जो किचन का शेफ था जो चपाती बनाता था सॉफ्ट है ना कैसी कैसी चपाती बनाता था जो काफ़ी राउंड होती थी बिल्कुल सॉफ्ट होती थी और फल्फी पफी होती थी तो ऐसी चपाती बनाने वाला जो शेफ था अब कहाँ चला गया था अपनी जॉब को छोड़कर हिमालयाज में टू बिकम अली मैन और रानी को बहुत चिंता हो गई क्वीन को और अब वो क्या कर रही थी चपाती वैसी ही बना सकता है इन द रॉयल किचन देयर वॉज नो कुकू कुड मेक द ऑफ चपातीज दूटेड दर्ल्ड क्वीन डिसाइडेड टू chapati contest. She invited everyone in the द to take part in the contest. she announced that the winner would be given a a a bag of gold coins as as prize and offered a job as the chef chapati cook in the royal kitchen. सो so, अब क्या किया रानी ने रानी ने एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया ओके okay, क्योंकि क्यों डिसअपॉइंट हो चुकी थी किसी को बनानी ही नहीं आती थी वैसी चपाती तो उन्होंने कॉन्टेस्ट और जो उस कॉन्टेस्ट को जीतेगा जो वैसी चपाती बना पाएगा जो राजा को पसंद है तो वो क्या जीतेगा वो उसको मिलेगा बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स एज अ प्राइज और उसको जॉब भी मिलेगी साथ में ठीक है चपाती ऑन हिज प्लेट एंड देन क्रम्बल्ड अप इन द किंग दिस इज वर्स्ट चपाती दैट आई है सो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है जो किंग है वो बड़ा स्माइल के साथ ब्रेकफास्ट के लिए बैठता है ठीक है और उसकी स्माइलिंग जो थी कंटिन्यू बनी हुई थी जैसे वो बाइट लेता है बाइट मीन्स क्या होता है बच्चे टुकड़ा जैसे ही वो चपाती का टुकड़ा लेता है प्लेट से और उसको अपने फेस क्रम्बल अप जैसे उसको चू करता है और रखता है तो एकदम से क्या बोलता है यक कितना गंदा हैट द किंग दिस इज द वर्स्ट वस्मेस बहुत ज़्यादा गंदी चपाती, बहुत बेकार, जो बहुत वश तरीके की बनी हुई थी, मैंने आज तक नहीं खाई। Don't be angry, dear," said the Queen. "I will be getting a new chef, chapati cook today. I'm holding a grand chapati contest. I have sent messengers and drum beaters in all parts of the kingdom. So, जैसे ही राजा को गुस्सा आता है तो रानी क्या बोलती है कि डोंट बी एंग्री गुस्सा मत हो जाइए ये डियर और क्या बोलती है कि मैंने क्या रखा है एक न्यू शेफ के लिए रखा है ग्रैंड चपाती कॉन्टेस्ट वो हम होल्ड करने जा रहे हैं और मैंने सभी मैसेंजर्स को ड्रम बीटर्स को भेज दिया है ऑल पार्ट्स ऑफ़ द किंगडम में इन वन ऑफ द दिलेजेसाउटेस्ट शी वांटेड हर मदर टू टेकर वॉज अट से तो so, जैसे ही विलेजेस में पता चलता है कि किंगडम में इस तरह का कांटेस्ट होने जा रहा है तो एक लिटिल गर्ल होती है जो विलेज के अंदर रहती है जिसका नाम होता है बच्चे मीना और मीना क्या बोलती है मीना कहती है अपनी मदर को कि आपको भी इस कांटेस्ट में पार्ट लेना चाहिए और मीना के जो फादर हैं बच्चे वो कौन थे पीनट सेलर थे ठीक है वो सोल्ड करते थे पीनट्स को और दैट ही रोस्टेड ऑन अ लिटिल प्ले स्टोर ऑन हिज लिटिल Pushkar. Meena's family was very poor, and the only thing they could afford to eat was plain chapatis with boiled peanuts, or plain chapatis with peanut chutney, or sometimes just plain chapatis with a slice of raw onion. Since they didn't eat much else, Meena's mother always took great care to make her chapatis round, soft, and Falfi puffy Meena thought her mother made the best chapatis in the kingdom and was sure to win the prize her father took her and her mother to the palace on his little pushcart सो so, अब जो मीना थी ठीक है छोटी बच्ची वो उसकी फैमिली कैसी थी बच्चे काफी गरीब थी ठीक है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे सब चीज़ों को लेकिन जो उसकी मदर थी जैसा राजा चपाती चाहता था ना बच्चे जैसे बनवाना उसको कैसी चाहिए थी बिल्कुल राउंड होनी चाहिए सॉफ्ट होनी चाहिए है ना और फल्फी पफी होनी चाहिए तो सेम मीना सोचती थी कि जो मेरी मदर है उनसे अच्छी चपाती कोई किंगडम में बना ही नहीं सकता और वह क्या सर्व करते थे वो सर्व करते थे जनरली प्लेन चपाती के साथ बॉइल्ड पीनट्स और प्लेन चपाती विद पीनट चटनी के साथ और कभी कभी कैसे करते थे जस्ट प्लेन चपातीज विद अ स्लाइस ऑफ रो ऑनियन के साथ तो इस तरह से मीरा को पूरा विश्वास था कि उनकी मदर से अच्छी चटनी और रोटी और चपाती कोई नहीं बना सकता तो इस तरह से उसके जो फादर होते हैं उनकी मदर को लेके जाते हैं पैलेस में और लिटिल पुष्कर में एट द पैलेस ग्राउंड्स देयर वर ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ कुक्स बिजी एट वर्क मेकिंग द मोस्ट अमेजिंग चपातीज मीना एंड हर पेरेंट्स हैड एवर सीन बटरफ्लाई शेप्ड चपातीज एंड स्पिनच फ्लेवर चपातीज चपातीस चपाती इज लेट स्मेल्टैडम एंड चपाती इज दैट वॉफ्ट एंड फाइन एज मैट यू कुड एक्चुअली सी थ्रू एंड वन चपातीज वो लार्ज दैट इट रिक्वायर्ड फोर पीपल टू कैरी इट सो जैसे वो पहुंचते हैं पैलेस के अंदर तो क्या देखते हैं वहां पर बहुत सारे कुक्स बिजी है किसमें चपाती मेकिंग में चपाती बना रहे हैं और मोस्ट अमेजिंग चपातीज वहां पर बनाई जा रही है शेफ्स के थ्रू कुक्स के थ्रू तो देखकर वो काफी कैसे हो जाते हैं शॉक्ड हो जाते हैं और मीना देखती है उसके पेरेंट्स देखते हैं जो उन्होंने कभी आज तक देखा ही नहीं था बटरफ्लाई शेप चपाती देख रहे हैं वहां पर स्पिनच फ्लेवर चपाती वहाँ पे देखी जा रही है और चपाती कैसी स्टफ्ड चपाती जो रेसिन से बनाई गई है चपाती लेयर्ड विद बटर के साथ और चपाती दैट स्मेट ऑफ कैडम चपाती दैट वर कलर्ड विफरेंट और बहुत ऐसे सॉफ्ट फाइन मसलिन के साथ एक्चुअली एक चपाती तो ऐसी थी जो अकेले उठी नहीं रही थी उसको कैरी करने के लिए किसकी जरूरत थी फोर पीपल की

And feeling very worried indeed. The other cooks had very special cooking vessels too. One cook had a glass rolling pin, one had a more stones rolling board. One cook had brought along two wrestlers to keep Ned and Chapati's dough, while another had come with his pet elephant wearing silk socks so that it could stamp the balls of dough into Chapati's. अब उनके पास बच्चे बहुत सारी ऐसी चीजें भी थी जो चपाती को स्पेशल बना रही थी है ना कुकिंग वेसल्स थे उनके पास और कैसे कैसे थे ग्लास रोलिंग पिन था उनके पास ठीक है One, एक के पास तो क्या था? था. और एक कुक के पास क्या लिया था अलोंग टू रेस्लर्स टू हेल्प नीड द चपाती डो दो रेस्लर्स भी रखे थे ताकि वो डो बना पाए अच्छे से एंड वाइल एनदर कम विद हिज पेट एलिफेंट भी रखा हुआ था उन्होंने ताकि वो उन्हों क्या कर पाए वियरिंग सिल्क सॉक्स पहनी हुई थी और क्या कर रहे थे चपाती बनाने के लिए डो रेडी कर रहे थे सून इट वाज टाइम फॉर द किंग एंड क्वीन टू चूज द बेस्ट चपाती दे सेट एट अ स्पेशल टेबल अंडर अ स्ट्राइड सिल्क टेंट एट वन एंड ऑफ द गार्डन एंड एवरी पर्सन हु हैड मेड अ चपाती वाज टू गिव इट टू द किंग टू टेस्ट अब जल्दी क्या हुआ किंग को क्या परोसना था चपाती परोसनी थी ठीक है देन क्वीन टू चूज द बेस्ट चपाती और क्वीन क्या करती है सबसे बेस्ट चपाती जो लगती है उसको चूज कर और राजा के पास लेकर जाती है ठीक है वो स्पेशल टेबल पर बैठे हुए हैं अंडर द स्टेप सिल्क टेंट के अंदर ठीक है गार्डन के अंदर और एवरी पर्सन टू गिव इट टू द किंग टू टेस्ट ताकि हर एक की चपाती को किंग टेस्ट कर पाए

तो बोला नहीं ये चपाती भी मुझे पसंद नहीं है क्योंकि इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा अ स्पेशल पम्प टू फिल एक्स्ट्रा एयर इन टू द चपाती आफ्टर इट वॉज मेड द किंग्स आईज ब्राइटेंड अब क्या होता है जो नेक्स्ट चपाती आती है वो एलिफेंट के टोज की स्मेल आ रही है उसके अंदर से ठीक है और जैसे वो स्निफ करते हैं स्निफ करना बच्चे हैं राजा ठीक है तो उनको कैसा लगता है क्या किया था उसके लिए स्पेशल पंप का यूज किया था टू फिल एक्स्ट्रा एयर ताकि उसके अंदर एक्स्ट्रा एयर फिल की जाए चपाती के अंदर और तभी वो बनाई गई थी और उस चपाती को देख के किंक की आइज भी कैसी हो गई ब्राइटन ब्राइटन मीन होता है

ठीक है किंग की प्लेट में जाती है नेक्स्ट चपाती इट रोज अप फ्रॉम द प्लेट एंड फ्लोटेड ऑफ और कैसे कर रही है जैसे वो फ्लोट कर रही है ठीक है अप एंड अप एंड अवे अपर द एयर द कुक हु हैड मेड अ चपाती सो सॉफ्ट एंड फाइंड दैट वन कुड एक्चुअली टूक थ्रू इट कैरिड इट केयरफुली टू द किंग एज इट नियर द टेबल अ पेटल फ्रॉम वन ऑफ द फ्लावर्स इन द गार्डन फेल ऑन द सॉफ्ट फाइन चपाती एंड इट टोर इन टू हाफ अब क्या हुआ उन्होंने काफी फूली हुई रोटी बनाई है ना जो हवा में ऐसा लग रहा था हवा में उड़ रही है और चपाती पर आ जाता है और चपाती क्या जाती है पूरा फट जाती है टोर हो जाती है आई कॉन्ट इ टोन चपाती सेट द किंग और किंग ने मना कर दिया कि मैं ये टोन चपाती को नहीं खा सकता इस फटी हुई चपाती को नहीं खा सकता उसके बाद क्या करता है जो किंग के पास चपाती कौन सी आती है जो फील्ड थी नट्स से ठीक है उसके अंदर बहुत सारे नट्स डाले हुए थे वो कोल्ड थी और हार्ड भी थी द किंग कंप्लेट वेन ही टेस्टेड इट इन डेड मोस्ट ऑफ द डिलीशियस चपाती मेड बाई दार्ड बिफोर द किंग चपाती उनके पास कैसी आई डिलीशियस थी लेकिन वो कैसी थी कोई कोल्ड थी हार्ड थी इसलिए उनको वापिस कर दिया गया दिस गेव मीना आइडिया शी आज हर फादर टू पुश हिस कार्ट एज क्लोज टू दिल्क टेंट एज पॉसिबल शी आज हर मदर टू सिट ऑन द कार्ट एंड मेक द चपाती ऑन द लिटिल सो so, उसके बाद जो मीना है उसको एक आइडिया आता है और क्या आइडिया आता है अपने फादर को बोलती है कि जो हमारी कार्ट है इसको कहां पर लेके जाओ सिल्क टेंट में ठीक है उनके पास लेकर जाओ और जो मदर ने स्टोव लिया हुआ है उसकी हेल्प से वो क्या बनाना स्टार्ट करेंगी चपाती बनाना स्टार्ट करेंगी एंड जस्ट एज द चपाती इज मीनाज मदर मेड बी रेडी मीनाज फादर पोस्ट द कार्ट राइट नेक्स्ट टू द किंग्स टेबल्स एंड द परफेक्टली राउंड सो हॉट एंड सॉफ्ट फल्फी पफी चपाती वो स्लिप्ड स्ट्रेट ऑफ टू द स्टोव एंड ऑन द किंग्स गोल्डन प्लेट और अब क्या करती है मीना की जो मदर होती है उन्होंने बनाई रोटी ठीक है चपाती बनाई और कैसी और थी तो मीना के फादर उसको पुश करते हैं कार्ड को लेकर जाते हैं किंग्स की टेबल तक और परफेक्टली राउंड हॉट और सॉफ्ट थी और साथ में कैसी थी फल्फी पफी चपाती वो स्लिप्ड स्ट्रेट ऑफ द स्टोव एंड ऑन द किंग्स गोल्डन प्लेट पर उन्होंने रख दी Hmm, said the king. When he took his first bite of the chapati, he could not say much more as he was already eating yet another perfectly round, hot, soft, fluffy, puffy chapati that Meena's mother had made. Then another and another till he had eaten 15 chapatis in all. तो so, उसके बाद क्या होता है जैसे किंग खाता है तो क्या बोलते हैं hmm, उसको टेस्टी लगी ना तो जैसे ही वो बाइट लेता है चपाती की उनको टेस्टी लग जाती है ही कुडेंट से मच मोर वो ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं पाए बल्कि उसको खाए जा रहे थे कैसी थे वो परफेक्टली राउंड थी हॉट थी फलफी पफी थी और इस तरह से जो मीना की मदर थी उनके लिए बनाती ही जा रही थी और उन्होंने टिल ही हैड इटन फिफ्टीन चपातीज उन्होंने खा ली दीज आर देश चपातीज आई है किंग और किंग क्या बोलता है की मैंने ऐसी चपाती आज तक खाई ही नहीं है सो द किंग एंड क्वीन डिक्लेयर दिन ऑफ गोल्ड दे वुड बी एबल टू ईट मोर देन जस्ट चपातीज एंड पीनट्स एवरी डे सो अब जो किंग है और क्वीन है पहले उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था इसलिए मीना की मदर जो होती है वो इस कॉन्टेस्ट को जीत जाती है और उनको क्या मिलता है जो प्राइज रखा हुआ था अ बैग ऑफ गोल्ड कॉयस और उनकी मीरा की जो मदर है उनको जॉब भी मिलती है एज अ शेफ शेफ पर है है ना शेफ की जॉब मिल जाती रॉयल किचन के अंदर और उस पैसे से वो क्या करते हैं दे वुड बी एबल टू ईट मोर ताकि वो और ज्यादा खा पाए जस्ट चपातीज एंड पीनट्स एवरी डे सो स्टूडेंट्स दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी आई होप आपको पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी काफी इंटरेस्टिंग थी और इसको दोबारा पढ़ेंगे रीड आउट करेंगे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज बच्चे डू ये